हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बौखली जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। वैसे बौखली जाने का तो बहुत सारा ऑप्शंस हैं, तो आज मैं जा रही हूँ बाई कार। वैसे आप लोग जा सकते हो बाई ट्रेन या फिर बाई बस। एंड आज मैं बौखली फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे रूट का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैप ऑन कर लिया था, तो मैप में जो रास्ता दिखा रहा था वैसे ही गई मैं। बारुईपुर बाईपास है ये, यहाँ से जब जहाँ पे बाईपास ख़त्म होता है वहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न लिया था एंड स्ट्रेट जो रोड जाता है दैट इज़ बारुईपुर आमतौला रोड। वैसे तो आप लोग मैप फॉलो करके ही जाओगे, बट आई विल टेल यू विच रूट इज़ प्रेफरेबल। तो बारुईपुर आमतौला रोड में आने के बाद अगर आप स्ट्रेट निकल जाओगे तो आप लोग आमतौला पहुंच जाओगे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसीलिए हम लोग वहाँ से नहीं गए। हम लोग स्ट्रेट जाके लेफ़्ट टर्न ले लिए थे जो सीधा निकल जाता है उस्ती की तरफ। इस रूट से जाने पे हम लोगों को डायमंड हार्बर क्रॉस करना नहीं पड़ा था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स वहीं पे सेव कर लिया था। ऊपर से वी डिड नॉट गेट एनी ट्रैफिक, द रोड कंडीशन वॉज ऑल्सो नॉट दैट बैड। सो ये जो रूट है ये सबसे बेस्ट रहता है। एंड जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे, हम लोग डायमंड हार्बर होके आए थे, फर्स्ट तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है एंड हम लोग गोड़िया में रहते हैं, तो हम लोगों को लगा था कि हम लोग अगर नेपालगंज वाले रोड से आएंगे तो टाइम कम लगेगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, रोड बहुत ही ख़राब था एंड बहुत घूमना पड़ा। तो आई विल से अगर आप लोग EM बाईपास के साइड से आ रहे हो देन ऑलवेज प्रेफर द बारुईपुर बाईपास। हम लोग 10 बजे तक घर से निकल गए थे एंड 1 बजे हम लोग बौखली पहुंच गए थे। वी डिड नॉट टेक एनी ब्रेक। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और वैसे अगर आप लोग डायमंड हार्बर होके नहीं आ रहे हो देन यू विल नॉट गेट एनी प्लेस जहाँ पे आप लोग प्रॉपरली बैठ के थोड़ा खाना पीना कर लो। तो फाइनली 1 बजे तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए थे, बट हमारा कोई होटल बुकिंग नहीं था इसीलिए हम लोग पहले तो होटल ढूंढ रहे थे। एंड हम लोग एक चीज़ सोच के ही गए थे कि बीच के आसपास ही रहना है। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पानी कितना दूर है, बीच का तो कुछ पता नहीं चल रहा था। सो वी वांटेड टू स्टे इन अ गुड होटल एंड व्हाट आई फाउंड देयर इज वहां पे अच्छा कोई होटल मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही कम अच्छे होटल्स है बौखली में। तो हम लोग पहले से ही थोड़ा गूगल सर्च करके गए थे कि कौन से अच्छे होटल्स हैं, तो उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा था फोटो में आइकन हेरिटेज। बट आप लोगों को वहाँ पे पहुँचने में फॉर श्योर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा क्योंकि बहुत ही ऑड रूट में है, दो एकदम बीच के सामने ही है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करके अगर देखोगे जहाँ पे बीच का वीडियो है वहीं पे है आइकन हेरिटेज, तो वो जगह अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाना कि सीधा जाके राइट साइड लेने में ही ये होटल आएगा। बहुत ही ऑड रूट में है, मैं पहले से बता रही हूँ, देख के पता नहीं चलेगा अंदर जाने पे, इतना अच्छा प्रॉपर्टी है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। तो इस होटल का दो डिविजन्स है, तो फर्स्ट गेट से एंटर करते ही जो बिल्डिंग पड़ेगा उसका प्राइस अलग है और अंदर जाने पे जो पार्ट आता है उसका प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क है, बैठने के लिए जगह है, प्लस जो पूल आप लोगों ने देखा इतना अच्छा लग रहा था, शाम को दोपहर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। वो पूल क्रॉस करते ही आप लोग अगर अंदर जाओगे तो ये वाला जगह आता है जहाँ पे ये ब्रिज आता है एंड इट इज़ कनेक्टिंग दी अदर पार्ट ऑफ दी होटल। एंड यहाँ पे ये पॉन्ड है, उसके ऊपर ये ब्रिज है जो कि बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है। तो एनीवे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत फोटोज़ लिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये ब्रिज ख़त्म होते ही आता है मेरा फेवरेट जगह। एज यू कैन सी इतना अच्छा वाइब आता है यहाँ पे, लाइट्स इतना अच्छा है, यहाँ पे बेंच है बैठने के लिए एंड शाम को बहुत ज़्यादा हवा चलता है बिकॉज ये बहुत ही सी के नज़दीक है, तो हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू कैन स्पेंड सम वेरी गुड टाइम ओवर हियर। ऑल्सो यहाँ पे फोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं एज आई हैव ऑलरेडी सेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे अगर आप अपना रूम लोगे तो इसका प्राइस थोड़ा 500 rupees कम पड़ेगा। एंड जहाँ पे ये स्टेयरकेस ख़त्म होता है वहाँ पे एक बालकनी है बैठने के लिए, आप लोग रात को बैठ के आराम से बात कर सकते हो, बहुत अच्छा हवा चलता है। उस साइड खेत है, उस पार्ट का तो वीडियो मैं
मैं नहीं बना पाई बिकॉज बहुत लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ऑलरेडी. तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने रील्स बनाया है उस जगह. एंड हम लोगों को यहाँ पे एक दिन का चार्ज 3,500 रुपीज पड़ा. देर वॉज नो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बट द फूड देर वॉज रियली ऑसम एंड अफोर्डेबल एज वेल. नाउ टॉकिंग अबाउट बौखली बीच, ये बीच मुझे उतना भी हैपनिंग नहीं लगा बिकॉज अगर आप पानी तक जाना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा. दो देयर आर टाइम्स जब पानी थोड़ा सा आगे आता है, बट कितना ही आगे आएगा, एकदम दीघा या पूरी वाला बीच तो ये है ही नहीं. दो लाइक दीघा और पूरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल्स होता है शाम के टाइम पे. प्लस थोड़ा सा निकल के ही यहाँ से एक अच्छा सा मार्केट है जहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हो. फूड स्टॉल में यहाँ पे भी आप लोग को फिश फ्राई मिल जाएगा या फिर कॉर्न या फिर आप लोग छोटा मोटा जो भी स्नैक्स चाहते हो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा. एंड शाम के टाइम पे आप लोग मस्त यहाँ पे चेयर रेंट पे लेके बैठ सकते हो. और अगर आप लोग यहाँ पे दो दिन के लिए आ रहे हो देन यू कैन गो फॉर साइट. यहाँ से आप लोग हेनरी आइलैंड भी जा सकते हो, बट 4 बजे तक हेनरी आइलैंड बंद हो जाता है. सो नेक्स्ट डे सुबह मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था कि ये जो बालकनी है जिसका बात मैं कर रही थी वो कितना अच्छा व्यू है वहाँ से. तो सुबह होते ही 9 बजे हम लोग निकल गए हैं. अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स होम एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग इस बार डायमंड हार्बर होके जाएंगे. एंड सच बताओ डायमंड हार्बर आने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत जल्द आना है, बहुत अच्छा जगह है. तो हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि मम्मी पापा को हिलशा फिश लेना है इसीलिए. एंड हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते में बहुत फ्रेश फिश मिलता है. तो पहले तो हम लोग को बाजार नहीं मिल रहा था. तो अगर आप लोग बौखली से आ रहे हो देन शागोरी का होटल जो है डायमंड हार्बर का वो आप लोग के राइट साइड पड़ेगा. एंड ये बाज़ार ठीक शागोरी का होटल से 2 मिनट डिस्टेंस पे है. पहले ये बाज़ार पड़ेगा फिर शागोरी का होटल पड़ेगा. एंड शागोरी का होटल एज अ लैंडमार्क मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ. जो हिलशा फिश हम लोगों को बाज़ार में 1200 रुपीज़ पर केजी मिलता है, यहाँ पे अराउंड 850 रुपीज़ हम लोगों को पड़ा एंड इट वॉज़ वेरी फ्रेश. एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वान्टिटी में फ़िश लेना है तो आप लोग शाम के टाइम पे ही आना. उस टाइम लॉरी से ये सब कार्टून बॉक्स वो लोग निकालते हैं एंड वो सब सेल होता है. सो आई होप आप लोगों के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगा.